गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। फिर से हम एक सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये राइट ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या के ऊपर राइट एंगल है, और यहाँ आते हैं P और यहाँ पे R। तो जो वैल्यू दी गई उसको रखते हैं, P के कितना है 5 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दे रखे। चलिए सॉल्यूशन इन राइट ट्रायंगल पी के आर, एंगल क्या हो 90 डिग्री है, पी के कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और दे रखे हैं पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसमें लिखेंगे, इसमें से कोई एक वैल्यू मान लो, लेट पी आर हमने मान लिया x सेंटीमीटर, तो इसमें रख दो x प्लस का क्यू आर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस x और ये सेंटीमीटर। अब वैल्यू रख दीजिए, पी आर हमने मान लिया है x, आर क्या क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हुआ 25 माइनस का x, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्या आर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या करेंगे हम, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा इधर से, और ये पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इधर से, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हैबिट हो चुका होगा इस तरह के, लास्ट काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, तो आप सीधे भी कर सकते हो। तो ये एक्स का स्क्वायर, पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर हमारे पास है 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गया, और ये ए माइनस बी का स्क्वायर लगाओ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर 25, ये 625 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 50 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 625 में ऐड करो 650 हो जाएगा ये, और इसके इधर ढलाओ, ये 50 इधर x हो गया और ये 650 हो गया, क्योंकि ऐड करेंगे ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 650 अपॉन 50, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 से 15 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो चीज़ फाइंड करनी वो निकाले, हमें निकालना है साइन पी, तो लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, तो हमने निकालना है साइन पी, साइन पी होता क्या है बच्चों, पी अपॉन एच, तो इस पी के रिफ्रेंस में ये हमारा पी है और ये हमारा एच है, ये हो जाएगा क्या हुआ आर अपॉन में आर पी, तो क्या हुआ आर कितना है 25 माइनस एक्स बटा में आर पी कितना है 13, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 माइनस का 13 और 13, 25 में से 12 बच गए, 12 बटा 13 ये हमारा आंसर, तो ये 12 हो जाएगा ना। उसके बाद हमारा हो जाएगा कोस पी, ये होता है बी अपॉन एच, तो बी हमारा कितना है पी क्यू और एच हमारा क्या है आर पी, तो पी क्यू तो हमारे पास 5 है ही और आर पी हमारे पास 13 है, तो ये हमारा आंसर हो गया, और इसी तरह से लास्ट हो जाएगा 10p, 10p और क्या होता है, ये होता है पी अपॉन बी, पी हमारे पास कितना है क्या हुआ आर और बी हमारे पास क्या है पी क्यू, ये है 25 माइनस एक्स और ये 13, ये एक्स की वैल्यू दे रखे रख दीजिए इसमें 13 और
ये पाँच है इधर, और ये जाएगा पाँच, 12/5 लंब बटे आधार, 12/5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 11th के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।